सो हे गेमर्स, कैसे हो सभी? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 वर्सेस ट्रक मास्टर इंडिया का, और मेन का गेम प्ले कंपैरिजन करूंगा और पूरी गेम खेल के दिखाऊंगा कि दोनों में से गेम कौन सी बेस्ट है। ये आप लोगों ने डिसाइड करना होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि कौन सी गेम ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो सभी फीचर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो गेमिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारी गेम स्टार्ट होती है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3, जैसे ही तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम इंटर करना होता है, प्रोफाइल बनानी होती है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंपनी का नेम लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 7 यहाँ पर सिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, जिनमें आप लोग अपना बेस से हेडक्वार्टर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 7 डिफरेंट मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के अगर बात कर ली जाए ट्रक मास्टर इंडिया की, तो वो स्टार्टिंग उसकी कुछ इस तरीके से होती है कि आप लोगों को सबसे पहले प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जैसे कि ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिल जाती है, यहाँ पर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, स्टार्टिंग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। डिफरेंट आप लोग करेक्टर चूज़ कर सकते हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं। उसके बाद आप लोगों को मैप देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। इंडिया का मैप देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को 100 से भी ज़्यादा सिटीज़ देखने को मिल जाती है, 100 से भी ज़्यादा सिटीज़ और पूरा मैप इंडिया का देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हेडक्वार्टर बना सकते हैं और उसमें आप लोग ट्रक्स वगैरह को ड्राइव कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना ह्यूज मैप है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 का मैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ट्रक मास्टर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 100+ सिटीज़ देखने को मिल जाती है, तो मैप के हिसाब से तो ट्रक मास्टर इंडिया यहाँ पर विन करती है। नेक्स्ट बात करें ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 की, तो जैसे आपकी गेम स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से एक गैरेज देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक और VIP लुक देता है, जिसमें आप लोग डिफरेंट ट्रक्स को चूज़ कर सकते हैं और उनको सिलेक्ट करके आप लोग अनलॉक करके ड्राइव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को फर्स्ट वाला ट्रक ही मिलता है, लेकिन बाद में आप लोग ये डिफरेंट ट्रक्स को अनलॉक कर पाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देखें तो काफ़ी VIP लुक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। शेडो आप लोग देख सकते हैं, जो कि सनशाइन पड़ रही है वो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है, और डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है। शेडो देखिए ट्रक्स का जो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही आउट क्लास है, मास्टरपीस हम लोग बोल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग इसमें ऐड की गई है। बात करें ट्रक मास्टर इंडिया की, जहाँ पर आप लोगों को बिल्ड योर ऑन ट्रक और यूज ट्रक भी मिल जाते हैं, और बिल्ड योर ऑन ट्रक में जाकर आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रक को बना सकते हैं, जो कि ट्रक्स ऑफ यूरोप 3 में ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। और अगर हम लोग बात कर ली जाए, यहाँ पर डिफरेंट 6 आप लोगों को ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया ने। और वैरायटी की बात करें तो ट्रकर्स ऑफ यूरोप में ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा वैरायटी के ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इंडियन ट्रक्स मिलते हैं, लेकिन जो है कि काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी भी है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 में। और वो जो गैरेज में ट्रक्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे लुक और टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। सो अभी बात कर लीजिए गेम प्ले की, तो स्टार्ट हमारी कुछ इस तरीके से होती है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, और इंजन स्टार्ट होने के बाद हमें कंट्रोल मिलता है, तो हम लोग गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं। और सबसे पहले आप लोग सेटिंग में जाएं, और सेटिंग में जाने के बाद अगर आप लोग इस गेम को प्ले करते हैं, ग्राफिक्स में जाने के बाद ब्लूम को आप लोग ने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ है इसको अगर आप लोग ख़त्म करके प्ले करते हैं, तो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छी लुक दिखाई देगी। ठीक है, अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी और HD लुक दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम लोग ट्रक को पार्किंग से हटाते हैं, और उसके बाद काफ़ी रियलिस्टिक तरीके के साथ रियल आप लोगों को पैडल वाला यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और रेस और ब्रेक दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, वो भी पैडल वाली मिल जाती हैं, और इसके साथ आप लोग यहाँ पर डिफरेंट कंटेनर्स को अटैच करके ड्राइव पे लेके जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 की स्टार्ट होती है। उसके बाद आप लोग इसको जैसे ट्रेलर के साथ अटैच करते हैं, तो मैनुअल तरीके के साथ ये अटैच होगा, आप लोग साउंड सुनिएगा। ठीक है, अभी ये अटैच होगा तो आप लोग साउंड सुनिएगा। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कितने अच्छे तरीके के साथ, बिल्कुल रियल तरीके के साथ ट्रेलर अटैच होता है हमारे ट्रक के साथ। और लेट्स गो गाइस, चलते हैं ड्राइव पे। और वीडियो के साथ अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्न बजाने पर ये बैरियर ओपन होता है, और वैसे भी हो जाता है, आई थिंक ऑटोमेटिक हो गया, मैंने हॉर्न पहले बजा दिया था, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हम जंप क्रॉस करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कितने रियलिस्टिक तरीके इसके साथ, रियल तरीके के साथ यहाँ पर इन्होंने ये स्टिफनेस ऐड की गई है जो टायरों में है। ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर बैठ के ड्राइव करते हैं, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ग्राफिक ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे, बिल्कुल रियल आप लोगों को फील दिलाती है, और ये गेम आप लोगों को PC यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 जैसी फील दिलाती है, सेम वैसे ही दिलाती है। अगर मैं राइट हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ईजी कंट्रोल है,
बहुत इजी तरीके के साथ आप लोग इस गेम को खेल सकते हैं। और ड्राइविंग में यहाँ पर आप लोग को किसी किस्म का कोई भी बग्स ग्लिचेस नहीं आ रहा। ओवरऑल आप ट्रक को देखिए कि इसमें जो भी ट्रेलर में सामान लोड किया गया कितना ज़्यादा रियल और रियलिस्टिक लग रहा है। और यहाँ पर सिटी में ट्रैफिक की बात करें तो रूल्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि फुली फॉलो किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी यहाँ पर साइन को फॉलो नहीं करने वाले। जल्दी से अपनी गेम प्ले को एंड करेंगे। देख सकते हैं दूसरे जो ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं वो भी लोडेड ट्रक होते हैं, किसी में ऑयल लोड किया होता है, किसी में जहाँ पर सीमेंट वगैरह लोड किया होता है। ओवरऑल बात की जाए गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। छोटी गाड़ियाँ भी आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाती है और रोड पर आप लोगों को ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है। आप लोग यहाँ पर मिरर वगैरह को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो अगर आप लोग गाड़ी को स्लो ड्राइव करें, ट्रक को अगर अपने को आप स्लो ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे कोई भी आप लोगों को ओवरटेक नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोग स्लो चलेंगे तो पीछे गाड़ियाँ भी आप लोग देख सकते हैं स्लो ही चलेंगी। अभी हम लोग बात कर ली जाए फ्यूल स्टेशन की, जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर भीड़ गाड़ियों की आप लोगों को लगी देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ट्रक्स देखने को मिल जाएंगे, बसेस देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर वेट कर रही हैं फ्यूल फिल करवाने के लिए गाड़ियों में। सो अभी हम लोग चलते हैं और मैं आपको चल के फ्यूल फिल करवा दिखा। ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेदर भी चेंज होता रहता है, डे टाइम और नाइट का भी सर्कल यहाँ पर चलता है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर फ्यूल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग फ्यूल फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंजन को ऑफ करना होता है और इंजन को जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऑफ करते हैं तो हमारा यहाँ पर फ्यूल बनने स्टार्ट हो जाता है। बस सिंपल सा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया गया। ओवरऑल अगर मैं गेम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी और काफ़ी रियलिस्टिक आप लोगों को गेम देखने को मिल जाती है। बिल्कुल रियल वाइब्स आती हैं आप लोगों को ट्रक को ड्राइव करते हुए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफ रोडिंग लोकेशन पर लेके जाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि अगर आप लोग मेडी रास्ते पर ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक फिजिक्स इस ट्रक में ऐड की गई है। ओवरऑल गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्मूथ रन करती है, आप लोगों को किसी किस्म का लैग नहीं मिलता। गेम आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन मिलती है और ट्रक मास्टर इंडिया की बात करें तो वो गेम भी आप लोगों को कंप्लीट ऑफलाइन मिलती है। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंट्रोल लगे ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 के। अभी हम लोग ड्राइव करेंगे ट्रक मास्टर इंडिया गेम के ट्रक को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि क्या आप लोगों को वो गेम ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है या ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों में से कौन सी गेम बेस्ट है। ओके, तो अभी हम लोग ट्रक मास्टर इंडिया को प्ले करें और सबसे पहले हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं और हमारा ट्रक ऑलरेडी हमें लोड देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पर खुद से लोड कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को फुली लोडेड ट्रक ऑलरेडी मिलता है, जस्ट आप लोग ने ड्राइव करना होता है। मैप में लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, हॉर्न आप लोगों को इंडियन मिल जाता है, देख सकते हैं हॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस गेम का। और लेट्स गो, अभी हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। अभी यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये सिर्फ इंडियन गेम है, ठीक है। इंडियन ट्रक्स इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जो ट्रकर्स अब यूरोप 3 है उसमें आप लोगों को यूरोप के लग्जीरियस ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप लोगों को उस गेम में और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैंने ओवरऑल गेम प्ले की बात की थी कि इसके अंदर आप लोगों को गेम प्ले कैसा देखने को मिलता है, इसके मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाई और वो आप लोगों को यूरोप में ड्राइव करने को मिल जाता है और ये आप लोगों को सिर्फ इंडिया में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात इस गेम में आप लोगों को ओवरऑल सारी इंडियन सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। अभी आप लोग अगर यहाँ पर सिग्नल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे कटते हैं, और अगर ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 की बात करें तो वहाँ पर अगर आप लोग सिग्नल को ब्रेक कर भी देते तो वहाँ पर आप लोगों की कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। इस गेम में आप लोगों को इंडियन रिक्शा, इंडियन कार्स, इंडियन बाइक्स, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को जो भी आसपास शॉप देखने को मिलेगी, घर देखने को मिलेंगे, सभी आप लोगों को इंडियन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल ट्रीज़ की बात की जाए तो पेड़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। साइड पे अगर शॉप की बात करें तो सभी आप लोगों को इंडियन शॉप देखने को मिल जाती हैं, बसेज आप लोगों को यहाँ पर इंडियन देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक बात जो मुझे इस गेम की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि यहाँ पर जो जितनी भी ट्रैफिक आप लोगों को मिलती है ना, बसेज और जो भी आसपास आप लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम इस गेम में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। साइड में आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, सभी यहाँ पर इंडियंस लगे हुए हैं, सभी यहाँ पर लोकेशन रियल वाली ऐड की गई हैं। और इसी के साथ फ्यूल स्टेशन की बात की जाए तो वो भी आप लोगों को रास्ते में मैं दिखाऊँगा कि कितना ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आप लोगों को इंडियन फ्यूल स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल इस गेम के कंट्रोल की बात करें तो बहुत इजी है ट्रक को कंट्रोल करना, ड्राइव करना बहुत ज़्यादा इजी है। स्टेयरिंग कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अच्छे तरीके से आप लोग ट्रक को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल दोनों गेम के साइज़ की बात करें तो दोनों के साइज़ में थोड़ा सा ही फ़र्क है। ये 300 MB की गेम आप लोग को देखने को मिल जाती है, वो आप लोगों को ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 आप लोगों को 200 MB की गेम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल काफ़ी कुछ है यहाँ पर, आप लोग दोनों ही गेम को यहाँ पर कंपेयर करें तो दोनों ही गेम्स अच्छी डिवेलप हुई हैं। आप लोग ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कौन सी गेम ज़्यादा अच्छी लगी। ओवरऑल यहाँ पर बिल्डिंग्स देख सकते हैं, आसपास आप लोग को जो बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है सभी इंडियंस आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर फ्यूल स्टेशन पर चलते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्यूल स्टेशन दिखाता हूँ तो आप लोगों को इंडियन फ्यूल स्टेशन देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आप लोग यहाँ पर रास्ते में आप लोग यहाँ पर खाना वगैरह भी खा सकते हैं और यहाँ पर
इंडियन लोग आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, पीपल सभी इंडियंस ही देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जो ढाबे पर बैठे होते खाना भी खा सकते हो, यहीं पर आप लोग सो भी सकते हैं अगर रेस्ट करना चाहें तो। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा।